हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बर्न इंजरीज़ के बारे में। और आज मेरे साथ हैं भोपाल के लीडिंग बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी। हेलो सर, वेलकम सर। सर ये बताइए सर, बर्न इंजरीज़ की बात करने से पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा सर, कॉजेज ऑफ बर्न इंजरीज, सर बर्न इंजरीज़ के क्या कारण होते हैं सर? देखिए, अगर हम एक्सीडेंटल बर्न की बात करें तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अमूमन जो घरों में बर्न होते हैं, जिसमें हम कहें कि सामान्य तौर पे 95% बर्न जो हमारी कंट्री में होते हैं वो लापरवाही की वजह से होते हैं, घरों में होते हैं, सामान्य तौर पे महिला या छोटे बच्चे इसके शिकार होते हैं। क्योंकि बहुत सी छोटी सी लापरवाही की, माँ ने पानी गर्म किया, बच्चे को वहाँ छोड़ा, कुछ काम करने गई, बच्चे ने पानी उल्टा लिया, गर्म खाना बना, जब खाना बन रहा है तो वो खाने के उसके ऊपर बच्चे ने हाथ मार दिया, या चाय या कॉफ़ी बच्चे के ऊपर से लिया तो वो उसके ऊपर जाके गिर गया। तो ये बहुत सी कॉमन सी 95% बर्न सामान्य तौर पे हमारे देश में इसी तरह के हैं। 5% बर्न में फिर दूसरे आते हैं, जिसमें सिलेंडर फट गया या इंडस्ट्रियल बर्न हो गया या किसी तरह का कोई एक्सीडेंटल बड़ा मेजर ब्लास्ट हुआ जिसमें बर्न हुआ, तो पर उनका नंबर बहुत कम है, वो सिर्फ 5% है। मेजर 95% बर्न आज भी छोटे छोटे बर्न हैं जो घरों में होते हैं और लापरवाही से होते हैं, चाहे वो गर्म पानी की लापरवाही हो, चाहे किचन में खाने बनाने की लापरवाही हो, चाहे तेल की कढ़ाई की लापरवाही हो, ये बहुत छोटी सी स्थिति है। सर कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं सर बर्न इंजरीज में? देखिए, बर्न के कॉम्प्लिकेशन में सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन यही है कि बर्न में होने वाला इन्फेक्शन, और वो बर्न के एरिए के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर बर्न का एरिया हम छोटे बच्चों में माने 10% से ज़्यादा है तो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, बड़े हैं उनमें 30% से ज़्यादा है तो जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन ये जानलेवा के अलावा छोटे छोटे बर्न भी जब इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब जाके बहुत नुकसान करते हैं, बहुत मुश्किल करते हैं, क्योंकि सड़ा हुआ जख्म अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी का शक्ल ले लेता है, जिसके ऊपर लंबे इलाज चलते हैं, लंबी दवाइयाँ चलती हैं, बहुत महंगा खर्चा आता है और फिर आदमी ज़िंदगी भर उससे परेशान रहता है। सर रिस्क फैक्टर्स कितने क्या होते हैं सर इसमें बर्न इंजरीज में? बर्न इंजरी जैसे मैंने आपको बताया, छोटा बच्चा है, अगर उसका 10% से ज़्यादा बर्न है तो उसके लिए लाइफ का रिस्क है, बड़ों में 30% से ज़्यादा है तो उसके लिए लाइफ का रिस्क है। कम बर्न भी हैं, लेकिन अगर उसमें ऐसा सेप्सिस हो गया, ऐसा इन्फेक्शन हो गया कि जिसमें कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, तो अपने आप में वो लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क है। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही होती है और वो चार पाँच महीनों से सड़ रहे होते हैं, तो इन मरीजों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो हमारा जो इनोवेशन है वो इनमें बिना एंटीबायोटिक के काम करता है, तो हम इन जख्म को भी ठीक कर पा रहे हैं। लेकिन अमूमन सामान्यतः सावधानी इस बात की होना चाहिए कि कोई भी जला हुआ मरीज किसी भी कंडीशन में इस तरह से लापरवाही में ना जाए कि उसके ऊपर इन्फेक्शन होता चला जाए और उसको रोक ना पा सकें। सर अगर इंसान कोई जल जाता है तो सर उससे सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? देखिए, जब भी कोई ऐसा पेशेंट जिसको किसी तरह की बर्न इंजरी हुई है, तो सबसे पहले तो हमें आग बुझाने की तरफ के प्रयास करना चाहिए ताकि उसको और ज़्यादा इंजरी ना हो। सामान्य तौर पे क्या होता है कि जल गया, आपने उसके ऊपर कंबल डाल दिया, मिट्टी डाल दी, चूना लगा दिया, कोई टूथपेस्ट लगा दिया, बहुत से तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। उससे क्या होता है कि जो जली हुई जगह है वो सड़ना चालू हो जाती है। सामान्य सलाह सिर्फ ये है कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले कोशिश करें कि मरीज़ को और ज़्यादा चोट से बचाएं, कि जल रही हुई चीज़ से दूर करें ताकि और ना जले, गिरने से दूसरी चोटें लग जाती हैं वो ना हो। इसके बाद आपके पास अगर ठंडा पानी उपलब्ध है तो मरीज़ को ठंडे पानी थोड़ी देर के लिए डालिए। बर्फ़ लगाते हैं कुछ लोग, बर्फ़ को लगातार 7 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं लगाना चाहिए, उसमें टिश्यू डेड होने की संभावना बढ़ जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो तो एक बिल्कुल साफ़ कपड़े में, जो बिल्कुल आपका धुला हुआ साफ़ कपड़ा है, उसमें मरीज़ को लपेटकर अपने किसी एक्सपर्ट सेंटर के पास पहुंचाना चाहिए, जहां उसका प्रॉपर तरीके से स्टराइल ड्रेसिंग की जा सके। देखिए, स्टराइल ड्रेसिंग फर्स्ट डे फर्स्ट मिनट बहुत ज़रूरी पार्ट है। अभी हमारे यहाँ पूरे देश में उल्टी प्रथा चल रही है कि पूरे यूरोप में सिल्वर कंपोनेंट्स बैंड हैं, सिल्वर की क्रीम बैंड हैं, पोविडोन आयोडीन की क्रीम बैंड हैं बर्न में लगाने के लिए, लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है। नतीजा क्या होता है कि जली हुई जगह और ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, और उसको फिर आगे बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ती है। तो सबसे ज़रूरी आवश्यक चीज़ ये है कि जलते सही मरीज़ को स्टेराइल ड्रेसिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सिल्वर और आयोडीन की दवाई बिल्कुल नहीं लगाई जाना चाहिए। सर इसमें क्या, सर आज से आम आदमी सर नहीं पता रहता तो वो
घरेलू नुस्खे टाइप से आजमाने लग जाते हैं सर, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज़ मरीज के जख्म पर ना डालें जिससे उसको इलाज करने वाले डॉक्टर को निकालने में बहुत परेशानी हो। अमूमन तौर पर चूना, कोयला, टूथपेस्ट या ऐसी कोई भी चीज़ जब आप उस पर ऊपर डालते हो तो वो चीज़ उस जगह पर चिपकती है और निकालने के वजह से जो नॉर्मल स्किन को हम बचा सकते हैं उस स्किन को भी हमें निकालना पड़ता है। तो अगर हम तुरंत प्रयास करेंगे तो हमारा इनोवेशन, अगर आप हमको मरीज को पहले ही दिन स्टेराइल कंपार्टमेंट में दे देते हैं जिसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उस मरीज को बहुत जल्दी वापस से बिल्कुल नॉर्मल किया जाना संभव है। और आज हम किसी भी मरीज में स्किन ग्राफ्टिंग की स्टेज नहीं ला रहे हैं, ना उसमें स्कार बन रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि मरीज को तुरंत पहले दिन बेस्ट ट्रीटमेंट मिलने की स्टेज बने। सर, इसका सर बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा सर बर्न इंजरीज़ में? क्योंकि क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है सर। अमूमन सर नॉर्मल केसेस में किस टाइप के ट्रीटमेंट प्लानिंग? जैसे मैंने कहा कि अभी हमारे देश में जागरूकता आनी बहुत बची है, लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। इवन जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, वो भी आज भी उसी पुरानी पद्धति पे इलाज कर रहे हैं जिसमें सिल्वर क्रीम्स लगाना है या पोविडन आयोडीन की क्रीम्स लगाना है जिससे कि जख्म और ख़राब हो जाते हैं। आज आवश्यकता इन सब लोगों को ये सिखाने समझाने की है कि जब आपके देश में, आपके देश की ही उपलब्धि, आपके देश का सबसे बड़ा इनोवेशन पूरी दुनिया में अपने रिजल्ट दिखाने के लिए तैयार खड़ा है, तो आप उसके ऊपर अपना एक प्रयास चालू कर सकते हैं। मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं, उनको बेहतर से बेहतर इलाज दे सकते हैं। आज कोई भी मरीज, कोई भी आदमी, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो कभी ये नहीं चाहता कि उसके जले हुए जख्म पे निशान रहे या स्कार रहे या विकृति हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए या उसको सालों साल ज़िंदगी भर उसके लिए तकलीफ़ उठानी पड़े, क्योंकि जले हुए जख्म ज़िंदगी भर तकलीफ़ देते हैं। पर चूंकि हम उसमें नॉर्मल स्किन को पैदा कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत आसान और बहुत सस्ता और बहुत कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इस पद्धति में संभव है। सर, बर्न ट्रीटमेंट के चलते सर पेशेंट को सर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि इन्फेक्शन से बचाना सबसे पहली ज़रूरत है। आपको किसी भी ऐसे मरीज़ को कहीं भी ऐसे खुले में नहीं जाना है जहां दिक्कत हो, कहीं भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे उसमें पानी लगने का या गीला होने का या धूल मिट्टी लगने का कोई काम हो। और साथ में मरीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी खुराक, जिसको हम हाई प्रोटीन डाइट कहते हैं, वो लेना चाहिए जिससे टिश्यू बनाया जा सकता है। सर, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैसेज यही है कि सबसे पहले तो बचाव करिए, जलने से बचने का प्रयास करिए, कि छोटी छोटी जो गलतियां, लापरवाहियां होती हैं खासतौर से छोटे बच्चों के साथ, कि उनको पानी से, आग के पास, चाय कॉफ़ी गर्म दूध के पास, ऐसी चीज़ों के पास से बेपरवाह होकर ना छोड़ें कि जिसमें वो अपने को नुकसान पहुंचा लें। महिलाएं अपने किचन में ध्यान करें कि किसी ऐसी चीज़ में, छोटे बच्चों को खास तौर से ऐसा ना करके रखें कि उनकी वजह से बच्चा जले या वो खुद भी जल जाएं। और इसके बाद सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आज कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके चेहरे पर जले का निशान रहे, लेकिन पूरी दुनिया की ये किंवदंती है कि बर्न लीव्स विद ए स्कार, बर्न अपना निशान छोड़ता है। लेकिन हम इसको उलट के कह पा रहे हैं कि अगर आपने तुरंत हमारा इनोवेशन इस्तेमाल किया तो बर्न का निशान भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच सर।